एक एवरेज ब्लू व्हेल 30 मीटर लंबी और 2 लाख टन भारी होती है। इसके कंपैरिजन के लिए एक ब्लू व्हेल का वजन 2 अर्जेंटीना डायनासोर, 3 मेगालोडोन शार्क, 5 ब्रायंकोसोरस, 25 टीरेक्स, 30 एलिफेंट्स, 450 हॉर्स और 2500 इंसानों के बराबर होता है। ब्लू व्हेल पिकेक्टिस नामक कुत्ते जैसे जीव से इवॉल्व हुई है, लेकिन आज की ब्लू व्हेल पिकेक्टिका से 10,000 गुना ज्यादा मैसिव है। इतना मैसिव तो आज पृथ्वी पर कोई क्रिएचर नहीं हो पाया, तो ये ब्लू व्हेल कैसे हुई? देखिए, ये पिकेक्टिकस ज्यादा मछलियों का शिकार करता था, इसलिए इवोल्यूशन के कारण ये धीरे धीरे व्हेल में बदलने लगा। देखिए, जब किसी भी चीज का साइज बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ स्क्वायर में इंक्रीज होती है, जबकि मास क्यूब में इंक्रीज होता है। इसलिए आप देखोगे कि एलिफेंट को अपना वजन होल्ड करने के लिए मोटी पैर चाहिए, जबकि पानी में ऐसा कुछ नहीं है, पानी में फ्रीली तैरा जा सकता है। इसी कारण पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर लैंड पर नहीं पानी में पाया जाता है, जो कि है ब्लू व्हेल।